शिक्षा शास्त्री और कानून के गहरे जानकार डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, भारत में संसदीय चुनावों का सिलसिला शुरू होने के साथ ही राजनीति में सक्रिय हो गए थे। पहले विधानसभा और बाद में लोकसभा के लिए वो कई बार चुने गए। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में दूर संचार मंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल आज भी याद किया जाता है। आंध्र प्रदेश, पंजाब और फिर महाराष्ट्र के राज्यपाल पद पर शानदार काम के बाद उन्हें 1987 में भारत का उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का सभापति बनाया गया। राज्यसभा के सभापति के रूप में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा इतने प्रभावशाली थे कि सदन के संचालन में किसी राजनीतिक दल ने उनकी अवहेलना नहीं की। इस पद पर 5 साल पूरे करने के बाद 1992 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को राष्ट्रपति बनाया गया। इस दौरान 9 दिसंबर 1996 को संविधान सभा की पहली बैठक की 50वीं सालगिरह पर संसद के दोनों सदनों को उन्होंने संबोधित किया। उनका ये भाषण संसदीय इतिहास के शानदार संबोधनों में से एक है। पद से मुक्त होने के बाद भी वो सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे। 26 दिसंबर 1999 को बीमारी के कारण उनका देहांत हो गया।